हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशन 41। इलस्ट्रेशन 41 जो है ना, समझने वाली ज्यादा है और सॉल्व करने की कम है। आई मीन, अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया करना क्या है, तो उसके बाद कंप्यूटेशन में इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये बोल रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, दैट प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2। ठीक है, फिक्स कैपिटल्स। इससे एक तो ये ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल वर्ड यूज हो या अजम्पशन फिक्स कैपिटल की जा रही हो, तो हमें क्वेश्चन में लास्ट में जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है वो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल ना करके हम एक्स करंट वाई करंट करते हैं। फिक्स कैपिटल के क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो करंट अकाउंट के थ्रू पास करनी है, दैट इज द पॉइंट। कितनी है जो भी है, 3 लाख 2 लाख 1 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 8%। गलती क्या हो गई कि आईओसी था 8, दे दिया 10। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 2% आईओसी एक्स्ट्रा दे दिया। अगर वो 2% आईओसी एक्स्ट्रा नहीं देते तो उस अमाउंट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते। अब दे दिया एज आईओसी, तो जितना एज आईओसी दे दिया उसको रिवर्स करो। आप देखते हो हर क्वेश्चन में मैं यही करता हूं कि जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको रिवर्स कर देता हूं और जो करेक्ट अमाउंट बनता है उसको प्लस प्लस में डालता हूं। इस बार भी वो जो 2% एक्स्ट्रा गया है उतना अमाउंट मैं रिवर्स कर दूंगा माइनस में, और उस पोर्शन को मैं दोबारा से एक तरह से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मैं क्वेश्चन के डेटा की बात करूं तो एक्स वाई जेड इनकी फिक्स्ड कैपिटल्स जो क्वेश्चन में दी हुई हैं, देयर आर 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख, एंड आईओसी जो करेक्ट है वो है 8% और जो रॉन्गली गिवन है दैट इज 10%। ठीक है ना। अब हमें इसकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो रॉन्ग अमाउंट है, मैं यही उसको सॉल्व कर दूं, अगर रॉन्ग अमाउंट हो गया 3 लाख का 2%, 8 मिलना चाहिए था, दे दिया 10, तो 2% एक्स्ट्रा चला गया। तो रॉन्ग अमाउंट इज 2% ऑफ दिस, दैट 6000, इसका हो गया 4000 और इसका हो गया 2000। इन तीनों को अगर मैं टोटल करूं तो ये आ रहा है 12000। इसका मतलब 12000 रुपए पार्टनर्स में गलती से एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट गए, जबकि था वो प्रॉफिट पोर्शन। आईओसी भी एप्रोप्रिएशन है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी एप्रोप्रिएशन है। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर दोनों चीजें आती हैं, आईओसी भी आती है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, लेकिन आईओसी पहले चला जाता है, फिर जो बाद में बचता है उसको हम एज प्रॉफिट लेते हैं। तो अब इस बार रियल लाइफ में हुआ क्या होगा कि क्योंकि हमने ज्यादा आईओसी बांट दिया तो इसका मतलब प्रॉफिट कम बटा होगा, तो हमने वो फिगर देखी तो कितना ज्यादा बट गया, तो तीनों पार्टनर्स को मिला के 12000 रुपए गलत बट गए। अब इस 12000 को हमें करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स पे। अगर मैं बात करूं एक्स वाई और जेड पे, जो 12000 का मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है दैट शुड बी इन द इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखनी रह गई थी यहां पर, दैट इज 5:3:2। तो ये जो 12000 है इसको मुझे 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, 50% 6000, 30% 3600 एंड 20% इज 2400। दिस इज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट 12000 दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो रॉन्ग हमने उनको दे दिया, दैट इज रॉन्ग आईओसी जो उसके पास चली गई, दैट 6000, ये भी हमने निकाला हुआ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं एडजस्टमेंट। 4000 दिस इज रॉन्ग, इसका मतलब 400 रुपए ज्यादा चले गए, एंड 2000 इसमें 400 रुपए कम गए हैं, प्लस 400। तो अब इसकी अगर मुझे एडजस्टमेंट जनरल एंट्री बनानी हो तो ये एक्स का तो कुछ है ही नहीं, वाई का करंट अकाउंट के थ्रू होगी। इसमें फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन था, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फिक्स कैपिटल,
तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, इस सिचुएशन में मैं करंट अकाउंट्स को यूज करूंगा, तो मुझे माइनस करना है तो मैं वाइज करंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 400 से एंड टू जेड्स करंट अकाउंट, इसको मैं 400 से क्रेडिट कर दूंगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो डेफिनेटली यू आर फ्री, आप कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे जो नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है उस पर एसएमएस कर सकते हैं। और आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि एक लिस्ट ऑफ लेक्चर्स अवेलेबल है, मैं ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर 2019 की बुक से बना रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली बाकी के चैप्टर्स मैं 2020 एडिशन से बनाऊंगा। तो अगर कुछ क्वेश्चन नंबर आपको ऊपर नीचे लग रहा हो तो जो हमारे लिस्ट ऑफ लेक्चर्स है उसमें बड़ा क्लियरली स्पेसिफाइड है कि 2019 का जो इलस्ट्रेशन नंबर है वो 2020 की बुक में रिवाइज्ड या न्यू इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो उससे आप मिसमैच नहीं होगा आपका, इजिली आप जो है क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाएंगे। एंड प्लस वैसे तो मैंने कई बार आपको ये बात बताया कि मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश की भी वीडियोस बनाता हूं, तो वो उन सबके भी लिस्ट ऑफ लेक्चर्स के अंदर लिंक्स दिए हुए हैं कि किस किस चैप्टर की कौन कौन सी वीडियोस जो है वो बन चुकी हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं, और आप सिंपल बस क्लिक करके उन सभी लेक्चर्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।